नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरियोसिटी रोवर ने वहां पर बादलों की तस्वीर ली है जो वहां के वातावरण के हिसाब से बेहद दुर्लभ है। मंगल का वातावरण काफ़ी पतला और ड्राई है। नासा के मुताबिक मंगल पर इस तरह के बादल वर्ष के सबसे ठंडे दिनों में उसकी भूमध्य रेखा के ऊपर दिखाई देते हैं। ये रेखा काल्पनिक है और इसको मंगल के अपनी धुरी पर घूमने के मुताबिक तय किया गया है। जिस वक्त ऐसा होता है उस वक्त लाल ग्रह सूर्य से काफ़ी दूरी पर होता है। आपको बता दें कि मंगल ग्रह का एक वर्ष धरती पर बिताए जाने वाले दो वर्ष के बराबर होता है। नासा ने अब क्यूरियोसिटी रोवर के ऊपर इन बादलों को बनते हुए देखा है जो उम्मीद से कहीं अलग है। नासा इसको लेकर एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। नासा के मुताबिक ये बादल काफ़ी चमकीले थे और कुछ में अलग अलग रंग भी दिखाई दे रहे थे। वैज्ञानिक अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ है और मंगल पर ये बादल कैसे बने हैं। हालांकि इस तस्वीर के साथ ये भी बात सच हुई है कि इस टीम ने एक नई खोज को अंजाम दिया है। नासा ने क्यूरियोसिटी के जरिए जिन बादलों का पता लगाया है वो काफ़ी ऊंचाई पर थे, जबकि मंगल पर दिखाई देने वाले बादल अधिकतम 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होते हैं। इनमें पानी और बर्फ होने की भी संभावना जताई गई है, लेकिन क्यूरियोसिटी ने जिन बादलों की तस्वीर ली है वो ना सिर्फ काफ़ी ऊंचाई पर थे जहां ये काफ़ी ठंडे होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये या तो बर्फ के जमने से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के जम जाने से हुआ होगा।